अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नौशीन किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बाजार जैसी मावा गुजिया बनाने की रेसिपी। ये मावा गुजिया आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाना, बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी बनता है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है, इनफैक्ट बड़ों को भी बहुत पसंद आता है, और इसका टेस्ट बाजार में मिलने वाली गुजिया से कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है। तो देर किस बात की, चलिए ये टेस्टी और हेल्दी मावा गुजिया बनाना शुरू करते हैं। मावा गुजिया बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा। आप मैदे में बनाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अगर मैदा अवेलेबल ना हो तो आप बारीक वाला आटा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच नमक। गुजिए में नमक और शक्कर का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच देसी घी। अगर देसी घी अवेलेबल ना हो तो आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको हाथ की मदद से ऐसे रब करते हुए मिक्स करिए। जितना ज़्यादा आप इसे रब करेंगे इतना ही ज़्यादा खस्ता आपकी गुजिया बनेगी। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे दोनों हाथ की मदद से मसला है। अब मैं थोड़ा सा आटा लेकर आपको दिखाती हूँ। जब आप इसकी मुट्ठी बांधेंगे तो एकदम टाइट सा बन जाएगा और गिराने पर भी गिरेगा नहीं, तो समझिए आपने एकदम परफेक्ट खस्ता कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका हमें टाइट सा डो बनाकर तैयार करना है। इसका डो नरम बिल्कुल भी मत रखना, जितना टाइट डो रहेगा इतने ही कुरकुरे आपके गुजिया बनेंगे। तो मैंने अपने डो को 2 से 3 मिनट तक गूंदा है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर इसे साइड पर रख दूंगी ताकि इसके ऊपर पपड़ी वगैरह ना जमे। और अब दूसरी साइड मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी भरकर मावा। ये मेरा होममेड मावा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कटोरी चीनी, ये पीसी हुई चीनी है। अक्की चीनी बिल्कुल भी मत डालिए, चीनी को मिक्सी के जार में डालकर उसका हमें पाउडर बना लेना है। फिर हम इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू बादाम और पिस्ता लिया है। अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट्स पसंद हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप रेडीमेड मावा यूज़ करते हैं तो उसे घी में थोड़ा फ्राई कर लेना, अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और अगर आपको ऐसे लगे आपका मावा ज़्यादा ड्राई है तो इसमें आप 2 से 3 चम्मच दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये लीजिए, हमारी मावा की स्टफिंग भी बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसे स्टोर करके रख सकते हैं, 4 से 5 दिन के लिए आप इसे स्टोर करिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए अभी से भी करते हैं साइड पे, और जो हमने आटा गूंदा था उसकी हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। फिर हम इसे पीढ़े पे रख देंगे, इसे हमें गोल गोल शेप में बनाना है। ये मैदे का है, थोड़ा बेलने में प्रॉब्लम होगी लेकिन आपकी गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी। तो मैंने हाथ की मदद से इसे थोड़ा बड़ा किया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसकी हमें रोटी बना लेना है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं मैदा है तो इसकी रोटी बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी आड़ी टेढ़ी बनती है। तो कोई बात नहीं, मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगी इस तरीके से बनाइए, आपकी गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगी और एक ही साइज़ की बनेगी। अब बड़ा सा ढक्कन ले लीजिए, इसकी मदद से आप इसको कट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी सारी गुजिया एक ही शेप में बनेगी। फिर इसमें हम डालेंगे मावे की स्टफिंग, और इसके साइड के जो कॉर्नर है ना इस पर हम लगा देंगे पानी। जितने अच्छे से आप पानी लगाएंगे ये अच्छे से चिपक जाएगा, और फ्राई करते वक्त आपका मावा बाहर नहीं निकलेगा और आपका ऑयल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इसे अच्छे से चिपका दें, फिर हाथ की मदद से हम इसके शेप दे देंगे। आप अंगूठे की मदद से थोड़े से आटे को आगे की तरफ खींचिए, फिर उसे ऊपर चिपका दीजिए। इसी तरह स्टेप फॉलो करते करते आप सारी गुजिया बनाकर तैयार कीजिए। एक बार में थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन 1-2 बार की प्रैक्टिस में आप एकदम परफेक्टली बना लेंगे। जैसे वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल इसी तरह करिए और आपकी गुजिया बनकर तैयार होगी। और अगर आपके पास गुजिया कटर हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो गुजिया बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। और दूसरी साइड चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी चीनी डाला है, उसी कटोरी से हम 1/2 कटोरी पानी डालेंगे। जब इस तरह से चाशनी बनाते हैं तो आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट होगी। जब आप गुजिया इसमें डालेंगे तो आपकी गुजिया बिल्कुल भी सॉफ्ट मुलायम बिल्कुल नहीं पड़ेगी। गैस का फ्लेम हाई रखें, हाई फ्लेम पर इसमें उबाल आने दें। जब इसमें उबाल आ जाएगा 1 मिनट तक इसे उबलने दें। फिर हम इसमें डाल देंगे 1/2 नींबू का रस, 1/2 से 1/2 नींबू का रस इसमें डाल रही हूँ। और अगर आप ज़्यादा नींबू डाल देंगे तो चाशनी में थोड़ी सी खटास आ जाएगी। फिर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और दूसरी साइड कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, तेल भी प्रॉपर हीट है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी गुजिया। गैस का फ्लेम लो रखें, लो फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। ज़्यादा गुजिया बिल्कुल भी मत डालिए, जितनी स्पेस हो इतना ही डालिए और इसे लो फ्लेम पे फ्राई करना है। जब ये वन साइड अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसे फ्लिप कर देंगे और दूसरे साइड भी अच्छा कलर आने तक फ्राई करेंगे। समोसा, गुजिया, कचौड़ी, पकौड़ी कुछ भी हो, हम इसे लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो वो अंदर तक पकता है
और बहुत ज़्यादा टाइम तक वो क्रिस्पी रहता है। तो इसी तरह हम अपने सारे गुजिया को बनाकर तैयार करेंगे, फिर हम इसे अपनी चाशनी में डाल देंगे। चाशनी आपकी हल्की गर्म हो, फिर 2 मिनट तक हम इसे चाशनी में सोक करने देंगे। दोनों साइड हम इसे चाशनी में डीप कर देंगे, फिर हम इसे निकाल लेंगे। ज़्यादा देर तक चाशनी में नहीं रखना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक रखना है। तो ये लीजिए, हमारी ज़बरदस्त गुजिया बनकर तैयार है। आप इस तरीके से बनाइए, मार्केट की गुजिया भी आपको फीकी लगेगी। ये इतनी टेस्टी, इतनी डिलीशियस बनती है कि आप एक बार बनाएंगे तो मेरी गारंटी है दोबारा ज़रूर बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी गुजिया बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।